नमस्कार, मैं प्रिया पायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर टकराव के बीच शिवसेना ने शनिवार को मुंबई में एक मेगा रैली आयोजित की, जिसके जरिए शक्ति प्रदर्शन और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा गया। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मेगा रैली को आयोजित करते हुए बीजेपी का जिक्र किया और कहा कि शिवसेना ने राज्य में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने पर गधों को बाहर निकाल दिया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम गधाधारी हिंदुत्व है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने गधों को बाहर निकाल दिया है जब हमने बीजेपी का के साथ गठबंधन तोड़ा। बीजेपी के साथ गठबंधन में हमारे 25 साल बर्बाद हो गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा हिंदुत्व गधाधारी है। राहुल भट्ट को जम्मू कश्मीर में तहसील के कार्यालय में आतंकवादियों ने मार डाला, अब बीजेपी क्या करेगी? क्या वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? शिवसेना ने दावा किया कि उसका हिंदुत्व गधाधारी है, जबकि बीजेपी का घंटाधारी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ नकली हिंदुत्व हमारे देश को गुमराह कर रहे हैं। बाल ठाकरे साहब ने कहा था, हमें सिखाया है कि हमें मंदिरों में घंटी बजाने वाले हिंदुओं की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे हिंदू चाहिए जो आतंकवादियों को मार सके। हमें बताएं कि आपने हिंदुत्व के लिए क्या कुछ किया है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस आज एक कार्यक्रम में सीएम उद्धव ठाकरे के लगाए आरोप और उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। दरअसल आज मुंबई में हिंदी भाषी के करीबी कहे जाने वाले देवेंद्र फडणवीस को गोरेगांव के नेक्सो हॉल में सम्मान किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस हिंदी भाषी मंच से सीएम ठाकरे को जवाब दे सकते हैं। वहीं आने वाले बीएमसी चुनावों को देखते हुए ये बैठक बहुत खास बताई जा रही है। देखना होगा कि पूर्व सीएम देवेंद्र उद्धव ठाकरे को जवाब देते हैं या नहीं। अगर जवाब देते हैं तो उसके बाद प्रदेश की राजनीति में क्या तूफान आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन के साथ।